तन्मुख प्रिया हमारे साथ है जो अपनी यूडलिंग के लिए जानी जाती है। एक अलग तरह की वॉइस क्वालिटी, एक अलग तरह का रेंज, गॉड गिफ्टेड है उन्हें म्यूजिक विरासत के तौर पर मिली, जिनकी माता जी और जिनके पिताजी ऑलरेडी संगीत के साधक रहे हैं। ऐसे बच्चे से आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि खुद मैथ्स के स्टूडेंट है, तो सन्मुख से हम जानना चाहेंगे छत्तीसगढ़ आकर कैसा लगा। नमस्ते, जय जोहार। छत्तीसगढ़ आके बहुत ही अच्छा लगा, मैं पहली बार आऊंगी, बहुत ही अच्छा लगा जी। सन्मुख, जब आप रामायण का, जब आपके पास प्रस्ताव गया रामायण महोत्सव में आपको गाना है, तो निश्चित रूप से एक मन में ख्याल आएगा कि भक्ति संगीत गाना है, तो वो क्षण कैसा था कि जब आपको छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव आया? जो मैं कराटे क्लासिकल सीखती हूँ मम्मा पापा से, अभी भी सीख रही हूँ, तो मुझे बहुत ही सालों से मुझे ऐसा मन था कि मुझे एक बार तो ऐसा वाला शो करना जहाँ पूरा भक्ति ओरिएंटेड शो हो जाए, तो आज मेरा सपना पूरा हो गया यहाँ पे आके। जब मुझे पहले पता चला कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव होने वाला है, तो वो सुन के मैं बड़ी खुश हो गई और मुझे लगा कि ठीक है, मैं अभी जैसे ही मुझे पता चला उस टाइम से ही मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, जितने कौन से गाना गाने वाले हूँ, वहाँ पे कितने लोग होंगे, उनके सामने क्या गाना है, कैसे गाना है, तो वो सब प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे जी। जब हम बात करते हैं, आप जिस जोनल से आती हैं वो वेस्टर्न संगीत का है, और निश्चित रूप से संगीत की साधना आपने बहुत ज़्यादा की है, तो जब हम धार्मिक गीतों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना होता है? सो कर्नाटिक और वेस्टर्न दोनों ही अलग है, एकदम ऑपोजिट है, बट मैं सिर्फ एक ही है कि अगर वेस्टर्न भी गाना है तो उसका एक बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए, वो बेसिक फाउंडेशन है ये कर्नाटिक म्यूजिक, या जो क्लासिकल बोल सकते हैं, हिंदुस्तानी भी हो सकता है या कर्नाटिक, अगर वो नहीं होता तो आप बाकी जॉनर्स को नहीं गा सकते। तो मेरा वो फाउंडेशन बचपन से ही रहा है। अगर आपको छत्तीसगढ़ी में गाने का अवसर मिले, छॉलीवुड में, हमारे यहाँ छॉलीवुड है, तो क्या आप इसमें छत्तीसगढ़ी में गाना पसंद करेंगी? ज़रूर, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी छत्तीसगढ़ी सॉन्ग गाने में, आई एम वेरी एक्साइटेड जी। अगर ओके, जब हम फोक गीतों की बात करते हैं, फोक गीतों की अपनी क्वालिटी होती है, तो बेसिकली आपको यदि मैं पूछूँ कि आपकी चॉइस का फोक म्यूजिक कौन सा है, कौन सा स्टेट का सॉन्ग आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो आप क्या कहेंगे? मुझे वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि एज अ मैं खुद सिंगर हूँ, तो मैं गाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर कल्चर्स को मुझे अडेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर अभी छत्तीसगढ़ आई हूँ तो यहाँ का फोक अलग होता है, और अगर मैं केरला जाऊँगी तो उसका वहाँ पे जो कल्चर है वो अलग है, तो मैं सभी को पसंद करती हूँ, सबको सुनती हूँ और सबको अडेप्ट करने की कोशिश करती हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं सभी से थोड़ा सा सीखने के लिए देखती हूँ। जी, आपके पास एक खुला मंच है, करियर है म्यूजिक में, उसके बावजूद आपने मैथ्स का स्ट्रीम चुना, मतलब आपकी लाइफ में एक और कुछ सपने हैं जो पढ़ रहे हैं, तो जानना चाहते हैं कि आप क्या बनना चाहती हैं? मैं तो एक सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे पढ़ाई भी बहुत ही पसंद है, बचपन से पढ़ाई करते आई थी, तो मुझे दोनों को बैलेंस करने का मौका है, जैसे मुझे तो प्लेबैक सिंगर बनना है, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू स्टडी, इसलिए बीएससी मैथ कंप्यूटर साइंस स्टडी किया है। ओके, और एक लाइन जो आपने शुरू की थी, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये पहले भी सुना है या यहीं आकर सुना है? नहीं, पहले भी सुनी हूँ, यहाँ पे सिंस मैं छत्तीसगढ़ में आई हूँ, तो मुझे लगा कि शो उसी से शुरुआत करनी चाहिए, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब एकदम, मतलब मुझे लगता है कि वो सब सिंगर से है, क्योंकि इतने सुरीले हैं सब, तो बहुत ही मजा आता है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, तो आप चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए भी आप कुछ गुनगुना दें? अरे बाप रे, राम राम जी के गाने जी, चलिए ठीक है। भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। थैंक यू सो मच हमसे इतनी प्यारी बातें करने के लिए, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, और कामना करते हैं कि आप जहाँ भी जाएं बस इसी तरह छा जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी।